तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं, मैं अभिषेक तेलंग और सिटीजनशिप सिद्धार्थ शर्मा आप लोगों के लिए लेकर लॉक दैट टेक का लेटेस्ट एपिसोड लेकर। और सिद्धार्थ आपको पता है कौन से नंबर का एपिसोड है ये? यार आजकल तो लॉकडाउन में दिन नहीं मालूम चलता। नंबर चौथा, चौथे नंबर का, यस नंबर फोर्थ। चौथे नंबर का एपिसोड है, एक महीना हो गया है लॉक दैट टेक। क्या बात लॉक है, दैट क्या टेक बात के एंड लॉक दैट टेक के जरिए सिद्धार्थ हम लोग रोजाना जुड़ते हैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हर दिन एक छोटी छोटी क्लिप लॉक डेट टेक की मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल रही होती है। बिल्कुल। और आज का भी लॉक डेट टेक काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस वीक में क्या क्या डेवलपमेंट हुए टेक्नोलॉजी की दुनिया में, उनका सारा वीकली रैप अप लेकर आ गए हैं। तो शुरुआत करते हैं टेक दिस वीक से। भैया हम लोग इंतजार कर रहे थे कि वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस सिद्धार्थ हर साल जून के महीने में WWDC, इस बार सारी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है WWDC, लेकिन कन्वर्ट हो गया है एक मेगा इवेंट से वर्चुअल इवेंट में। बिल्कुल। 22 जून को WWDC होगा, जिसमें एक स्नीक पीक हमें इस साल के सारे एप्पल डिवाइसेस से होगा। तो सिद्धार्थ क्या लगता है आपको iOS 14 क्या क्या चीजें इंतजार कर रहे हैं उसमें? सो बेसिकली मतलब पहली बात तो एप्पल का पहली बार ऐसे वर्चुअल इवेंट हो रहा है, अपने आप में वही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एप्पल फिजिकल इवेंट्स में ज़्यादा बिलीव करता है ऑन द न्यू iOS प्लेटफॉर्म, एंड हमेशा की तरह नए आईफोन्स के साथ वो नया iOS देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि नए iOS 14 पे आपको इस बार हो सकता है कई सारी ऐसी कंपैटिबिलिटीज़ देखने को मिले जो आपके पास नहीं थी। 12 प्रो में हो सकता है और 4 कैमरा भी देखने को मिल जाए, पर वहाँ पे अगर हमें एक बोके वीडियो मिले तो मज़ा आ जाए। ये मेरी विश लिस्ट है, चीज मेरी विश लिस्ट में जो मुझे लगता है, क्योंकि पिछला अगर हम एक साल देखें एप्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये साल जैसे पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये साल स्मार्टफोन के इतिहास में या स्मार्टफोन्स इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसान वाला रहा है, क्योंकि ये पूरा क्वार्टर खत्म हो गया है COVID-19 के चक्कर में। लेकिन इस क्वार्टर में जो कि जहाँ पर कोई भी कंपनी अपना हार्डवेयर बेच नहीं पा रही, अपने डिवाइसेस बेच नहीं पा रही, वहाँ पर एप्पल नुकसान उठा रहा है, लेकिन जो उसका सर्विसेज है, जो सर्विसेज बिजनेस, एप्पल ने पिछले 2 साल पहले इन्होंने ये कहा था कि सर्विसेज इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, और उन्होंने उस लाइन पर चलना शुरू किया था एप्पल ने, तो वो इस लॉकडाउन के दौरान भी वो सर्विसेज एप्पल को रेवेन्यू लाकर दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार iOS 14 के साथ साथ, जहां पर पिछले साल जो एप्पल का इवेंट एक तरीके से जो मेगा इवेंट था आईफोन 11 लॉन्च का, वहां पर जो उन्होंने एप्पल टीवी की उन्होंने बात की थी, उन्होंने एप्पल म्यूजिक और एप्पल आर्केड के बारे में बात की थी, तो अभी एप्पल आर्केड में करीब 100+ गेम्स हैं। एनीवेज सो एक चीज़ है जिसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है, वो होता है आईफोन। पर ये जो अगली खबर है इसके लिए शायद आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि 3 जून को गूगल ने अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करेगा अपना बीटा वर्जन फॉर एंड्रॉयड 11। सो एंड्रॉयड 10 पे सभी लोग थे आज की डेट में, जितने भी मॉडर्न स्मार्टफोन्स आ रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 आपको ऑफर कर रहे हैं, बट एंड्रॉयड 11 बीटा में आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी आप एंड्रॉयड 1 लवर्स हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे इसको, और जो टिंकर अराउंड करना पसंद करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के साथ Pixel, वो भी कर Pixel पाएंगे, पिक्सल्स यूजर ऑफकोर्स डाउनलोड कर पाएंगे। एंड नए एंड्रॉयड 11 में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, कुछ कुछ थोड़े बहुत प्रिव्यूज जो थे वो गूगल ने पहले भी बताए थे कि एंड्रॉयड 11 में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्पैम कॉलिंग के लिए वो जो रोबो कॉलिंग फीचर होता है उसको कर्टेल करने के लिए एंड्रॉयड 11 में ज़्यादा कंट्रोल दिया जाएगा यूज़र्स के लिए। साथ ही साथ अगर जो अननेसेसरी परमिशंस मांगती थी ऐप्स आपसे, चाहे वो आपकी लोकेशन हो, कॉन्टैक्ट्स हो, कैमराज हो, उस पर थोड़ा कर्टेल लगाया जाएगा डेवलपर्स के लिए। तो सिक्योरिटी वाइज, लोकेशन वाइज, डेटा वाइज काफ़ी कुछ एनहांसमेंट देखने को मिलेंगी एंड्रॉयड 11 पे। पर मज़ेदार बात ये है कि एंड्रॉयड 11, मतलब मैं आज की डेट में बैठ के सोचता हूँ कि हम लोग कितने ओल्ड हो चुके हैं। अभिषेक आपने जब टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म स्टार्ट किया था, इससे पहले हम इस न्यूज़ को आगे बढ़ाएं मैं सवाल पूछूंगा, आपने जब टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म स्टार्ट किया था तो पहला एंड्रॉयड कौन सा वाला था फ़ोन जो आपने इस्तेमाल किया था, मतलब कौन सा एंड्रॉयड वर्जन था उस फ़ोन पर? HTC Hero आई थिंक एंड्रॉयड 3 था उसके अंदर। कौन सा था? ABC, C नहीं, हाँ डी था, डोनट डोनट नहीं, डोनट से पहले भी तो था।
कपकेक, कपकेक। शायद कपकेक था। सो इमेजिन आप भी कपकेक वाले हैं और हम भी कपकेक वाले हाँ, हैं। HTC हीरो था, बड़ा बड़ा। एक मिनट में दिखाता हूँ, एक एक मैं अपना एंड्रॉइड फोन दिखाता हूँ, मैंने यहीं कहीं रखा था, एक मिनट रुकिए आप दिखाता हूँ। जो लोग मुझे एप्पल फैन बॉय बोलते हैं उनको ये देखना चाहिए, ओके, तो ये एक बिल्कुल HTC विद गूगल, हिस्ट HTC सेंस, हिस्ट और ये वो सबसे पहले एंड्रॉयड डिवाइसेस में से एक है। ये अभी भी अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो शायद चल जाएगा, हालांकि इस पे सपोर्ट वपोर्ट तो अब कुछ नहीं है। टच से पहले भी ये उन जमाने का टच सेंसर फिंगरप्रिंट स्कैनर टाइप का हुआ करता था, ये एक तरीके का कर्सर हुआ करता था जिससे आप चलाते थे। और होम बटन देखिए, मेन्यू एकदम के लिए अलग डेडिकेटेड की है, एंड देन बैक के लिए और सर्च के लिए अलग की दी हुई है। तो एकदम वॉल्ट और से निकाला काफ़ी है खूबसूरत HTC का ये फ़ोन था, ये था HTC डिज़ायर। डिजायर। ये तो कंपनी भी बंद हो गई है अब, HTC हाई ये टेक कॉरपोरेशन, हाई यस। टेक कंप्यूटर्स। सो अभिषेक के मतलब हिस्टोरिकल पिटारे में से निकल के आया उनका ये एंड्रॉयड कपकेक वाला फोन। आई थिंक इसमें एक्लेयर तक सपोर्ट मिला था शायद, उसके बाद जिंजर जिंजर ब्रेड जिंजर तक ब्रेड। मिला था इसमें, वाह, जिंजर ब्रेड तक सोचो ये मतलब चलता था। जी तक, एंड्रॉयड सी से लेके एंड्रॉयड जी तक सपोर्ट मिला है। और आज की डेट में कंपनीज की यह हालत है कि दो एंड्रॉयड अपडेट रोल आउट करने में भी उनको नानी याद आ जाती है। तो फूड फॉर सर थॉट वो है। जमाना और था, वो जमाना और था, क्योंकि एंड्रॉयड भी नया था, प्लेयर्स कम थे। HTC और LG, आई थिंक सबसे पहले HTC, LG और सैमसंग, ये तीन पहले पार्टनर्स थे एंड्रॉयड के, एंड्रॉयड और इन तीनों ही स्मार्टफोन्स के ऊपर एंड्रॉयड के आपको देखने को मिलते थे। अब आज जमाने में आजकल हर दूसरा फोन, मतलब आसमान में अगर आप पत्थर फेंको ना तो वो किसी ना किसी एंड्रॉयड फोन के यूजर के ऊपर ही आकर गिरेगा, इतने एंड्रॉयड फोन हो गए आजकल वेल आज इस दुनिया में। वेल तो मैं वापस आते हालांकि ये हैं, बोल रहा था वापस आते कि हैं, वापस आते हैं एंड्रॉयड 11 पे। हाँ यस, हमने जी, तो एंड्रॉयड 11 पर जो फीचर्स लॉन्च हो सकते हैं उनमें कुछ एक बढ़िया फीचर्स, जैसे आपने बोला था कि वो ऐप परमिशंस को लेकर, इनफैक्ट इस बार एंड्रॉयड 11 में, क्योंकि गूगल अपनी वो इमेज बदलना चाहता है कि भैया हम डेटा चुरा लेते हैं आप लोगों का, तो वो इमेज से या हमारा इकोसिस्टम उतना सिक्योर नहीं है, तो गूगल उस इमेज को चेंज करने के लिए पिछले 1-1.5 साल से बहुत मेहनत कर रहा है। और एंड्रॉयड 11 में आपको कई ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग अपने फ़ोन में कई एप्स डाउनलोड कर लेते हैं उनके एड्स देखकर या उनका लोगो देखकर, लेकिन वो एप्स हम यूज़ नहीं करते काफ़ी वक्त के बाद, वो पड़े रहते हैं और यस उन पे परमिशन सारी होती हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस और बाकी और चीज़ें, कैमरा एक्सेस की, लोकेशन एक्सेस की, ऐसी ढेरों परमिशन उनके पास होती है। तो एंड्रॉयड 11 में ये एक फीचर आएगा जो कि डिफ़ॉल्ट रहेगा, डिफॉल्ट ऑन रहेगा वो फीचर, और काफ़ी काम का है कि अगर एक डेडिकेटेड पीरियड ऑफ टाइम तक किसी ऐप को आपने यूज़ नहीं किया है तो उसकी सारी परमिशंस जो हैं, सारी ऐप परमिशंस रिवोक हो जाएंगी। मतलब वो ऐप अगर एक तरीके से डोमेंट पड़ा हुआ है आपके फ़ोन में तो ना वो आपका कैमरा एक्सेस ले पाएगा, ना वो आपका लोकेशन ले पाएगा, ना मैसेजेस, ना फ़ोन, जितनी भी उसने ऐप परमिशंस दे के रखी हैं वो सारी रिवोक हो जाएंगी उस ऐप के। फॉर एग्जांपल 1-1.5 महीने का शायद टाइम होगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद यूज़र भी नाइनटी उसको नाइनटी उस डेज का चीज़ भी के हो साथ सकता ट्वीकिंग कर सके, है जी, हाँ है। 10 डेज का भी हो हाँ सकता है। तो वो जो है इस तरीके की चीज़, काफ़ी प्रिवेसी को लेकर ये काफ़ी अच्छा एक फीचर होगा। इसके अलावा कुछ एक फीचर जो पिक्सल 4 डिवाइसेज में इन्होंने जो मोशन सेंस वाले जो फीचर्स दिए थे उससे रिलेटेड काफ़ी और अपडेट हमें एंड्रॉयड 11 में देखने को मिलेंगे, कि जिससे आप अपने हैंड के जेस्चर से हवा में ही एकदम हैरी पॉटर की तरह हाथ घुमा के आप उसको वो कर सकें। और ये फीचर्स जो ऐसे जेस्चर्स वाले फीचर्स हैं, मुझे लगता है कि पिक्सल डिवाइसेस के अलावा दो और डिवाइसेस जो हैं उनमें काफ़ी काम के आ सकते हैं, खास करके मोटरोला के जो फ़ोन्स हैं यस वो जेस्चर कंट्रोल काफ़ी करते हैं, वो चॉप चॉप हो या यस आपका वो क्या क्या और अलग अलग तरीके के उनके जेस्चर्स हैं, वो इस तरीके के फीचर्स का काफ़ी फ़ायदा एंड्रॉयड 11 अगर उनके डिवाइसेस में आता है तो उठा पाएंगे। सेम जो गैलेक्सी नोट डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो एस पेन में जो एयर जेस्चर्स का जो वो दिया है
हो सकता है ऐप डेवलपर्स वो एयर जेस्चर्स और एंड्रॉयड 11 के अंदर जो नए मोशन सेंसर्स जो आएंगे, मोशन सेंस के जो नए फीचर्स आएंगे, तो उससे हो सकता है जो इनका जो नेक्स्ट जनरेशन नोट डिवाइसेज हो या नेक्स्ट जनरेशन जो मोटरोला के डिवाइसेज हो, उनमें हमें पिक्सल के अलावा भी कुछ और नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए, ये तो हुई बात एंड्रॉयड 11 की, 3 जून को आ रहा है। तो मेक श्योर अगर आप पिक्सल डिवाइसेस पे, एंड्रॉयड 1 डिवाइसेस पे हैं, या फिर आप टिंकर अराउंड करना पसंद करते हैं अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ, सो यू गेट दैट एंड्रॉयड 11 बीटा। जब वो लॉन्च होगा तब हम उसके बारे में और डिटेल्स लेके आएंगे, ओनली ऑन लॉक दैट टेक। सो सिद्धार्थ, जो अगली खबर है वो ये कि ये जो कमिंग वीक है, उस वीक में इतने ज़्यादा गैजेट्स लॉन्च हो रहे हैं जितने पिछले 2 महीने में लॉन्च नहीं हुए, एक के बाद एक ढेरों लॉन्च हो रहे हैं। इनफैक्ट कई तो लॉन्चेस शुरू हो गए, जैसे Mi 10 लॉन्च हो गया इस हफ्ते, लेकिन अगले हफ्ते तो और भी चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल रियलमी नार्जो सीरीज के 2 फोन्स लॉन्च होंगे 11 तारीख को, जो कि नार्जो 10 एंड नार्जो 10A। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि पोको फ़ोन का जो नेक्स्ट फ्लैगशिप है पोको F2 प्रो, जो काफ़ी महंगा फ़ोन होगा, वो स्पेन में इवेंट हो रहा है अगले हफ्ते, जहां पर पोको F2 प्रो शायद लॉन्च हो जाए। अब इंडिया में कब तक आता है कि नहीं आता है वो भी नहीं पता। नहीं, इसके अलावा ऑनर का जो 9X प्रो जो है डिवाइस, 9X तो लॉन्च हो गया था, लेकिन 9X प्रो जो डिवाइस है, जो शायद ऑनर की तरफ से पहला ऐसा डिवाइस होगा जो HMS के ऊपर चलेगा, जो हुआवे जो सर्विसेज हैं, जो इंटरनेट सर्विसेज हैं हुआवे की, जैसे गूगल की सर्विसेज हैं, तो वो उसके ऊपर चलने वाला वो पहला होगा जिसमें गूगल मैप्स नहीं होगा हुआवे ऑनर 9X प्रो में, मैप माई इंडिया वाले होंगे। तो ये काफ़ी लॉन्चेस अगले हफ्ते बहुत बिजी रखने वाले हैं। आपको किस डिवाइस से ज़्यादा उम्मीदें लग रही हैं? पहले तो मैं वो जो बच गए थे, जो लॉन्च होते होते रह गए थे, उनकी भी बात करूं। मतलब वीवो भी चाह रहा है कि वी 19 जो है वो भी लॉन्च कर पाए। वो पहले तो वो सारे डिवाइसेस आए, अब वो कितने रेलेवेंट रहेंगे नहीं रहेंगे ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। बट मैं जो एक्साइटेड हूँ वो ये नार्जो सीरीज जो है इससे हो, क्योंकि कई बार हर महीने कुछ ना कुछ आता था कि नार्जो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तो अब लॉकडाउन के दौरान ये लोग लॉन्च कर रहे हैं नार्जो सीरीज, एंड आई होप कि इस बार वाकई में ही वो आ जाए। हाँ, नार्जो तो मैं एक्साइटेड। नार्जो बेसिकली सिद्धार्थ ये रीब्रांडेड डिवाइस है जो इनके थाईलैंड और वियतनाम में रियलमी ने लॉन्च किया था, शायद C3 और रियलमी 6i। तो उन डिवाइसेस का नाम और हुलिया बदल के यहाँ पर इंडियन मार्केट में नार्जो 10 और 10A होंगे। हालांकि ये बजट सेंट्रिक डिवाइसेस होंगे, बहुत ज़्यादा महंगे और बहुत ज़्यादा फीचर हैवी डिवाइसेस नहीं होंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ और, जो मतलब डिवाइस से जो उम्मीद मुझे, एक उम्मीद से ज़्यादा क्या उसे बोलेंगे कि उत्सुकता है, क्यूरोसिटी है एक डिवाइस को लेकर, वो है ऑनर 9X प्रो। क्योंकि ये पहला डिवाइस होगा जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा जिसके अंदर गूगल की, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा, वो एंड्रॉयड 9 होगा इसमें, 10 भी नहीं होगा, 9 होगा। लेकिन इसमें गूगल मैप्स और गूगल की जितनी बाकी सर्विसेज जो होती हैं वो नहीं होंगी इसमें। मैप माई इंडिया आपका, आपको मैप्स दिखाएगा, सेम आपका जो कंटेंट के लिए यूट्यूब नहीं होगा बल्कि हंगामा का शायद इन्होंने टाई अप किया है, हंगामा प्ले शायद वो होगा आपको यूट्यूब की जगह पर। तो कैसा होगा ये और किस तरीके से, ये जो हार्मनी ओएस तो शायद इसमें नहीं होगा हुआवे का, लेकिन जो हुआवे प्लान कर रहा है उन प्लान के ऊपर थोड़ा तो हमें झलक मिलेगा, थोड़ा एक पता भी चल जाएगा किस तरीके से, कहाँ किस ऊँट किस करवट बैठता है ऑनर 9X प्रो से। बिल्कुल, एक अंदाजा बिल्कुल, एक थोड़ा सा तो पता चलेगा। ये एक तरीके से स्नीक पीक होगा बिल्कुल व्हाट लाइज इन फ्यूचर विदाउट गूगल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक तरीके से ये हिट भी हो सकता है, फ्लॉप भी हो सकता है। बट क्या है कि अगर ये हिट हो गया तो, यानी अभी जैसे अगर हम लोग सब सोच रहे हैं कि गूगल एक लौता प्लेटफॉर्म है जो, मतलब आफ्टर iOS या बिफोर iOS, तो एक और अच्छा प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाए मार्केट में तो थोड़ा मज़ा भी आएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब ये एंड्रॉयड के ऊपर बेस्ड UI, कि हमारी MIUI है, कि रियलमी की है, कि कलर OS है, ये है, ये सब देख के मैं भी परेशान हूँ। UI पता है क्या है, अगर मैं फ्रेंकली बोलूँ, ये UI कुछ नहीं बल्कि वो जैसे सुपरमैन
नीले रंग की ड्रेस पहनता है और लाल रंग की चड्डी पहन लेता है तो वो सुपरमैन हो जाता है। तो ये और कुछ नहीं, सिर्फ वही है, ये एंड्रॉयड के ऊपर चढ़ाई गई चड्डी है। फिर चाहे एक रियलमी की चड्डी है, फिर आपके वीवो की चड्डी है, या मोटरोला की चड्डी है, या सैमसंग की चड्डी है, चड्डी के अलावा कुछ नहीं है ये। क्योंकि ये और दे क्या रहा है, कुछ एडिशनल कुछ चीज़ें नहीं दे रहा है, आपके एक मेकओवर फीचर्स देता है, बाकी इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं। ऐसे तो कुछ है नहीं कि कोई ऐसा फीचर आ जाता है इसके अंदर जो बिल्कुल एंड्रॉयड में भी ना मिलता हो। और सेफ्टी और प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मुझे तो बड़े खतरनाक से लगते हैं। एनीवे, हमारे इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर की तरफ चलते हैं सिद्धार्थ, जो जिसके ऊपर हमें काफी हम डिस्कशन करेंगे। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, अपनी राय देना चाहूंगा। पिछले हफ्ते जब हमने लॉकडेड टेक खत्म किया, और जब वो स्टोरी भी लेट इसीलिए आई क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग खत्म की और उसके बाद ही ये खबर ब्रेक हुई, फोर्ब्स यूके ने ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी चलाई कि शाओमी के डिवाइसेस जो हैं, खास करके स्मार्टफोन्स, वो एकदम सिक्योर नहीं है आपके डेटा के लिए। आपका डेटा चुराते हैं, आपके डेटा के ऊपर नज़र रखते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को, आपकी पर्सनल डिटेल्स को वो भेजते हैं किसी रिमोट सर्वर में जो यहाँ इंडिया में नहीं है। वो रिमोट सर्वर चाइना में या हांगकॉन्ग में या आपके रशिया में वो है। और ना सिर्फ इतनी बात कि आपका चलिए रिमोट सर्वर पे भेजा जा रहा है, वो गूगल भी भेजता है, फेसबुक भी भेज रहा है, सब भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, आप भेजते हैं, सभी भेज रहे हैं, मैं मान लूँ एक बार में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली जो बात जो मुझे लगी कि वो जो फोर्ब्स की पूरी एक्सक्लूसिव रिसर्च थी, जहाँ पर उन्होंने सबूतों के आधार पर एक एक चीज़ समझाई, उनमें सबसे बड़ा अलार्मिंग पॉइंट जो मुझे लगा वो ये कि जिस बेसिकली एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी को ये लोग यूज़ कर रहे हैं शाओमी अपने सर्वर्स में यूज़र्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए, वो है बेस 64 नाम की एक एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है। मैंने कई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से फिर उसके बाद अलग से बात की बेस 64 को लेकर कि किस तरीके की एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है। तो मुझे ये बात जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि ये जो एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है ये इतनी ज़्यादा बेसिक और जिसे कहा जाए बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है, बहुत बेसिक है कि कोई भी अगर हैकिंग का जिसे कहा जाए ना क्रैश कोर्स भी करके आ जाए ना एक महीने का, तो वो भी उसको डिकोड करना शुरू कर देगा, डिक्रिप्ट करना शुरू कर देगा उस एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पर। वहाँ पर जिस रिपोर्टर ने ये स्टोरी की थी फोर्ब्स के, उसने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इस तरीके का एक वीडियो डाला जहाँ पर शाओमी के फ़ोन से वो जो ब्राउज़र जो डेटा भेजता है, जो एनक्रिप्टेड डेटा होता है, उसे कैसे डिक्रिप्ट करके उसने दिखा दिया कि ये वेबसाइट के ऊपर किया जा रहा है। तो अगर ज़्यादा उस पर उसने वो बेचारे रिपोर्टर ने ये डिक्रिप्ट कर लिया कि वो कौन सी वेबसाइट विजिट हो रही है, अगर कोई क्रिमिनल हैकर डिक्रिप्ट करेगा तो वो तो जाने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्या हो क्या रहा है, आपकी क्या राय इस बारे में। मतलब मैं तो बड़ा विचलित हो गया इस चीज़ को लेकर। मैंने तो इनफैक्ट, अगर आपने वो मेरी स्टोरी देखी होगी तो मैंने अपने आप तक पे सवाल उठा लिए कि यार इतने सालों से, पिछले छः सात सालों से मैंने इतने ज़्यादा बुलिश होकर, इतने ज़्यादा हल्ला मचा कर, नहीं शाओमी का फ़ोन दो, अच्छा है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, शाओमी रेडमी ये फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें, बिल्कुल गंग हो था मैं पूरा शाओमी को लेकर। और अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं तो क्या मैंने इतने साल अपने सारे व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाया, उनको गलत सलाह दी, उनको ऐसे खतरे में डाल दिया जो जिस खतरे से शायद उनको बचाया जा सकता था मैं अगर सलाह ना देता तो ये बड़ी विकट परिस्थिति है। देखिए आप अपने आप में ज़्यादा कठोर हो रहे हैं, पर सारी बात ये है कि मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं था। एंड थैंकफुली 6 साल से आप शाओमी रिकमेंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 साल तो मैंने भी रेकमेंड किया शाओमी, पर मुझे जब थोड़ा बहुत फिशी लगा इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी की प्रैक्टिसेस के बारे में, तो मैंने सजेशन ही देना बंद कर दिया। मेरे से आज भी आके कोई पूछता है कि शाओमी का फ़ोन ख़रीदना चाहिए तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं, आप सस्ता किसी और कंपनी का फ़ोन ख़रीद लो पर शाओमी का बिल्कुल भी मत खरीदो फ़ोन। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर कोई फ़ोन का UI, और इन्होंने एक तरीके से ये स्टैंडर्ड बनाया अपना कि हम आपको जितनी ऐप्स प्रीलोड करके देंगे, वो जो आपने चड्डी की बात की, UI के अंदर जो हम शाओमी की जो चड्डी है बेसिकली, हाँ,
उसके अंदर जो हम आपको ऐप्स लोड करके देंगे उसमें हम आपको एड्स बेचेंगे आपके प्रेफरेंस पे, आपका यूज़र डेटा लेके आपको प्रेफरेंशियल एक्सपीरियंस देंगे। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया इन लोगों ने ये बोल के कि हम आपको एड्स देंगे उसमें ताकि आपका एक्सपीरियंस बेटर हो, पर वो एड से शाओमी कमा रहा था, आपको सस्ता फ़ोन बेच रहा था पर पैसे वो आपसे भी ले रहा है उस फ़ोन के, और डबल ट्रिपल पैसे अपने भी कमा रहा है उस एड्स के ज़रिए। फिर मैं इसलिए सरप्राइज हुआ क्योंकि एक हमारे ही बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारी तरह ही वो टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट है, जब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें कहा कि शाओमी अपने यूआई पे एड्स देता है। उनके साथ मेरी ट्विटर पे थोड़ी झड़प भी हुई थोड़ी लेके, बट जब मैंने उनको लिखा कि आपने तो तारीफ़ कर दी जी एड्स देने की, तो कहा मैंने तारीफ़ थोड़ी ना की। तो मेरा ये सवाल था उनसे कि आप अगर एक ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट भी हैं तो आप किसी चीज़ को ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हैं। कि उन्होंने ये लिखा था अपने आर्टिकल में कि बॉस एड्स दे रहा है शाओमी बट उनकी सेल्स में कोई इफेक्ट नहीं हुआ इतनी एड्स देने के बावजूद भी। तो उन्होंने बोला चलो एड्स देते रहते हैं। नाउ मैं एड्स पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखिए कि आपको जितनी भी प्रेफरेंशियल एड्स आती हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर वो तभी आती हैं जब आप अपने फ़ोन को बार बार इस्तेमाल करते हैं, जब आपका फ़ोन पिंग मार रहा होता है किसी सर्वर को या फिर आपकी डिटेल्स कहीं दी जा रही होती हैं किसी एड एजेंसी को, किसी रिसर्च एजेंसी को, ताकि सेम एड्स आपको फीड हो सकें जो आप सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपके यूआई के अंदर ही एक एड इकोसिस्टम इंटीग्रेटेड है तो आप खुद लगाइए कि आपका डेटा कहाँ कहाँ जा रहा होगा। जब ये सवाल शाओमी से किया जाए तो वो बोलते हैं नहीं नहीं कहीं नहीं जाता, हम लोग ऐसे ही एड देते हैं, मतलब मज़ा चल रहा है, मजाक चल रहा है इधर। बट उनके हिसाब से वो मजाक था, मेरे हिसाब से मजाक नहीं था। इसलिए मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं था जब ये रेलिवेशन आया कि बॉस जब आप मी ब्राउज़र इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मी ब्राउज़र की बात हो रही है जो शाओमी के फ़ोन के अंदर एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, अगर आप उस ब्राउज़र को ऑफ़ कर दें या उसकी परमिशंस भी ऑफ़ कर दें तो वो आपको ब्राउज़र ही इस्तेमाल नहीं करने देता, और अगर आप उसको सारी परमिशन दे दें तो वो आपका सारा डेटा चुराता है और भाग जाता है। तो इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, और हंसी मुझे इस बात की आई कि बड़े प्रॉम्प्टली उन्होंने जवाब दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा सर्वर सिक्योर है, ये है वो है, और 2 घंटे बाद ही सबको ट्विटर पे वो आके बोल रहे थे नहीं नहीं हम इनकॉग्निटो मोड वाला जो है अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये एक एरोगेंट और एक मैं यूं कहूं कि जिस सर पे चढ़ जाता है ना नंबर वन हूं मैं बोल बोल के चाहे हूं चाहे ना हूं, वैसा कुछ मतलब देखने को मिला शाओमी से। और ये उनकी गलती नहीं है, आई थिंक जब इतना पैसा उड़ाओगे लोगों पे और तारीफ झूठी तारीफ लोगे तो जब पैसा एम्प्टी हो जाएगा या चोरी पकड़ी जाएगी तब कहाँ जाओगे, ये वो वाला सवाल है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है। नहीं मैं कोई हैकर नहीं हूँ बट सिक्योरिटी कंसर्न डेफिनेटली। आई 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 कंप्लीटली एग्री। एक भी बात आपकी ऐसी नहीं है जिससे मैं एग्री नहीं करूंगा इस पूरे मामले में। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो डेटा प्रिवेसी को लेकर है, भाई डेटा हर कोई ले रहा है और वो ज़रूरी भी है आज के इंटरनेट के ज़माने में, क्योंकि फिर चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, सारी जितनी कंपनीज हैं, क्योंकि इंटरनेट के ज़माने में अगर आप डेटा, आपकी यूज़र हिस्ट्री, अगर आपकी सर्च हिस्ट्री, ब्राउज हिस्ट्री, आप क्या देखते हो, क्या आपकी प्रेफरेंस है, अगर वो आपको, अगर कंपनीज अगर वो डेटा कलेक्ट करके अपने एआई के अंदर डालकर, अगर उसको रिसर्च करके आपके लिए आपका जो एक्सपीरियंस है, यूज़र एक्सपीरियंस है, उसको बेहतर बना ही नहीं सकती अगर ये सारी चीज़ें ना हो। आप अगर फॉर एग्जांपल गूगल में यस अगर आप 2 लेटर आप टाइप करते हो और वो आपको सजेशंस दे देता है उस चीज़ के नीचे आधार पर, सजेशन आ आपकी रहा स्पेलिंग्स को सीखता है आपका सॉफ्टवेयर, तो कहीं ना कहीं डेटा जा रहा है, वो ज़रूरी है और उससे आप बच नहीं सकते। वो टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाने के लिए मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर, और यूज़र भी इस बात के ऊपर एग्री करते हैं ना, ये कोई नई खबर नहीं है कि डेटा कंपनियाँ हमसे लेती हैं, या उसको अगर हम थोड़ा क्रूड वे में बोले तो डेटा कंपनियां चुराती हैं हमसे, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हो रहा है और होता है। लेकिन कम से कम एक यूजर डेटा पूछ तो शेयर लिया करता था। है किसी अगर कंपनी के साथ, तो वो इस आधार पर डेटा शेयर करता है कि भाई मेरा तुम डेटा अगर ले रहे हो, भाई बैंक में भी हम पैसा, अपने अपना हार्ड अर्न मनी हम बैंक में डालते हैं, तो वो बैंक हमारे साथ ये कहता है ना कि भैया ये पैसा हम आपसे ले रहे हैं, और देखिए ये बड़ा वाला दरवाजा दिख रहा है जिसके अंदर वो टायर ऐसे, वो स्टीयरिंग व्हील जैसा वो लॉकर रहता है, वैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड दरवाजे के अंदर हम आपका सारा पैसा रखते हैं और ये पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। अब अगर कोई बैंक में आप जाओ और वहां पर आप लाखों रुपए कहो कि ये डिपॉजिट कर दो, और वो एक टूटे फूटे से लकड़ी के दरवाजे पे
जो बना हो, और उसके ऊपर वो जो अटैची में नहीं लगाते थे पहले जमाने, वो ताला जिसको ऐसे मोड़ दो तो टूट जाता था, और उस पर लगा के वो हाँ, बंद कर दे, कहते देखो छोड़ आपका दे। सुरक्षित है, हमने तो देखो आपके सामने है, घर के पास है बैंक, और ये डेटा आपका आपका आपके सारे रुपए सुरक्षित हैं। तो आप क्या बोलोगे उसको? आप यही कहोगे ना, भाई कम से कम ताला तो ढंग का लगा ले, दरवाजा तो ढंग का लगा ले। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है भैया, डेटा ले रहे हो ठीक है, शाओमी का यूजर सस्ते के चक्कर में अब अगर अपना डेटा सस्ते में बेच रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उस डेटा को ढंग से सिक्योर करके तो रखो, कम से कम ताला तो अच्छे से लगाओ। अगर आप ताला बेकार लगाओगे, घटिया लगाओगे, कि कोई भी आके पीछे के दरवाजे से आगे के दरवाजे से ताला तोड़ के अगर डेटा चुरा के भाग जाता है, चलो आज की तारीख में कोई हैक नहीं हुआ मैं मानता हूँ, कोई बहुत बड़ा ब्रीच नहीं हुआ, लेकिन कल को हो गया तो तब क्या होगा? ये बड़ा सवाल है, और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ऊपर से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि यस, एवरीबडी आपकी परमिशन मांगती है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, आपकी लोकेशन, नेम, पता, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें वो मांगते हैं, पर वो आपसे पूछते हैं। वो प्रॉम्प्ट आपके फ़ोन पे आता है कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अलाउ करोगे कि वाइल यूजिंग द ऐप ऑलवेज ऑन या आस्क मी एवरी टाइम, ये सब ऑप्शंस तो आपको देते हैं, आपसे पूछते हैं आपका डेटा लेने से पहले। शाओमी यहाँ पे छुप के पीछे से ही डेटा ले रहा है आपके। तो आप ये सोचो, मतलब इनकॉग्निटो मोड, जो कि इट हैज़ टू बी इनक्रिप्टेड, इट हैज़ टू बी सेव्ड, इनकॉग्निटो मोड के अंदर कोई कैसे आपका डेटा चुरा सकता है? तो अगर ऐसा ब्रीच है और उसके बाद शाओमी बोल रहा है कि नहीं ऐसा तो है ही, तो फिर ठीक है भाई, आप लो 10-10 हज़ार रुपये के शाओमी के फ़ोन, एंड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका डेटा कहाँ जाता है। आपको अभी ये बात बहुत छोटी लग रही होगी, बट जिस दिन आपके साथ कोई दुर्घटना घटेगी डिजिटल वर्ल्ड पे आने के लिए, तब आप बोलोगे कि बॉस मतलब थोड़ा अच्छा फ़ोन ले और लिया होता। दुर्घटना कैसी सो घट आई सकती थिंक है? नहीं सिद्धार्थ, मैं एक बार इस सिचुएशन को, हमें अगर थोड़ा लंबा भी डिस्कशन हो रहा है तो हमें इस पर डिस्कस करना चाहिए, दुर्घटना कैसी घट सकती है? या श्योर। ये जो इंटरनेट, जो हम जिस पे हम विचरण करते हैं, ये जो इंटरनेट है ये हार्डली 2-3% है, बाकी इंटरनेट का जो सारा धंधा है वो सारा डार्क नेट है, डार्क वेब है, जो भी नाम दे दो आप उसे, वो है। और वहाँ सारे आपके सिल्क रूट नाम से एक क्राइम सिंडिकेट चलता है वहाँ पर, जहाँ पे ड्रग्स से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर आर्म्स डील से लेकर गैर कानूनी आर्म्स डील से लेकर सारे तरीके के गोरख धंधे जो आप सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें उस डार्क नेट के थ्रू हो रही होती हैं। और उस डार्क नेट के कस्टमर्स या व्यूअर्स या वो कौन हैं, वो आपके साइकोपैथ्स लोग हैं, वो आपके टेररिस्ट हैं, वो आपके हवाला वाला कांड करने वाले लोग हैं, वो आपके ड्रग डीलर्स हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो माफिया है। और जो इन्फॉर्मेशन आपको का फेक पासपोर्ट अगर बनता है किसी का भी, किसी भी टेररिस्ट का, किसी भी चोर का, तो वो फेक फेक पासपोर्ट के पीछे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या हवा में सोचते हैं? यार इसका डेट ऑफ बर्थ ये डाल देते हैं, यार इसका नाम ये डाल देते हैं, ऐसे होता है क्या? या उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर कुछ भी डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो यही चुराया हुआ डेटा होता है जो क्रिमिनल हैकर्स हैक करते हैं, हम जैसे यूजर्स का डेटा चुराते हैं, उसे डार्क वेब पर सेल करते हैं, और वो डेटा ही इस्तेमाल होता है ऐसे फेक पासपोर्ट बनने में। वही डेटा इस्तेमाल होता है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, आपने सुना होगा ना, हवाला ट्रांसफ़र होते थे, न्यूज़ में आपने सुना होगा कि ये टेररिस्ट अकाउंट में हवाला से पैसे ट्रांसफ़र होते थे। तो हवाला से आपके हमारे जैसे लोगों के नाम पे पैसे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, और कभी अगर इन्वेस्टिगेशन हुई और आपका नाम आया ऐसी इन्वेस्टिगेशन में, आपको तो हवाला की स्पेलिंग भी ढंग से बतानी नहीं आएगी, लेकिन आपका नाम आ जाएगा और फंसोगे आप और हम जैसे लोग। इसलिए अपना डेटा हमेशा सिक्योर करके रखो, रुपए पैसे से ज़्यादा आज के ज़माने में डेटा, इंटरनेट के ज़माने में पेट्रोल और डीजल है, जो कीमत वॉर हो रही है ना, तो डेटा के ऊपर वॉर हो रही है, ये डेटा माइनिंग से बच के रहिए भैया, और अपने डेटा को इतने सस्ते में ना वेरी बेचिए, नहीं तो किसी दिन इसी सस्ते के चक्कर में लग जाएगी। तो चलो अभिषेक, मतलब ये सब फियास्को तो ठीक है, पर आप रेकमेंड भी कर रहे थे इतने टाइम से फ़ोन शाओमी के। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब आप क्या चाहोगे, एक ऐसा सवाल या ऐसा सजेशन जो आप शाओमी को देना चाहोगे अपनी इमेज सुधारने के लिए? क्योंकि मनु कुमार जैन ने तो आके ऐसे बोला कि भाई मेरे मीडिया दोस्त थे, मेरे ब्लॉगर दोस्त थे, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, रिपोर्ट छाप दी। मतलब एक तो दोस्त वर्ड से मुझे सख्त नफरत है यार, मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ दोस्ती। मैंने कौन सी तुम्हारे साथ बैठ के चाय पी या घर पे बैठ के तुम्हारे साथ बात बतौलेबाजी की है? जब आप ये आके बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स हैं, ये हैं, वो हैं, तो सब शाम है, पर आप शाओमी को एज अ सजेशन क्या देना चाहोगे इस फियास्को से देखिए, निकलने के जर्नलिज्म लिए? में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी सिद्धार्थ, कि जो मीडिया होता है इट्स लाइक अ वॉच डॉग,
ऑफ द सोसाइटी, तभी उसे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी बोला जाता है, उसका काम अच्छा बुरा सब बताना है। वो वॉच डॉग है, वो भौंकेगा और आप उससे दोस्ती नहीं कर सकते, वो आपको काट भी सकता है। तो मीडिया के दोस्त, आप रिस्पेक्ट में आप किसी को बोल दो, कर्टसी में बोल दो, वो बात ठीक है, पर वो दोस्त की खातिर आपकी पोल ना खोले, ऐसा मीडिया वाला कोई अच्छा मीडिया कोई भी अगर होगा जर्नलिस्ट, तो वो तो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। आपका अगर दोस्त भी होगा तब भी वो आपकी पोल अगर खोलने लायक होगी तो वो खोलेगा। तो खैर ये दूसरी चीज़ थी, लेकिन एक सजेशन जो मैं शाओमी को देना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो इनफैक्ट अभी 10 दिन पहले तक शाओमी के फ़ोन सजेस्ट कर रहा था लोगों को, इस वक्त शाओमी को पूरी तरीके से अपनी जो एक इमेज मेकओवर की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इमेज के ऊपर डेंट लगा है। भले ही शाओमी कितना कहे कि फेक न्यूज़ थी, हाफ कुक्ड रिसर्च थी, हाफ बेक रिसर्च थी और अच्छे से नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आपको अगर यूज़र्स के बीच में, आपको अगर मीडिया के बीच में, आपको किसी भी एक यूज़र ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस के बीच में अगर आपको भरोसा बैठाना है, तो सिंपल चीज़ ये है कि आपको जैसे किसी भी मैकडी के आप स्टोर में जाए, मैकडोनल्ड्स के स्टोर में जाए, डोमिनोज में जाए, आप अगर उनको ये बोलते हैं कि भैया हमें आपका किचन देखना है, आप दिखाइए कि आप कैसा खाना बना रहे हैं, किस तरीके खाना बना रहे हैं, साफ़ सफाई है कि नहीं है, तो वो एक छोटा सा स्टोर मैनेजर मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज वाला भी आपको अपने किचन का टूर कराता है, दिखाता है कि भैया यहाँ पे साफ़ तेल में खाना बन रहा है, साफ़ सफाई है, लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, ऐसे गंदगी से नहीं खाना बन रहा है। तो शाओमी तो दुनिया की बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया में नंबर 4 पर है और अपने आप को इंटरनेट कंपनी कहती है, स्मार्टफोन कंपनी भी नहीं कहती, तो क्यों ना शाओमी जितने भी मीडिया के लोग हैं जिनके ऊपर चलो शाओमी को भरोसा है या जो लोग शाओमी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने के फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हैं या जो फोर्स भी हैं, उन सब को लेकर आप सिलेक्ट कीजिए आपको किसको लेकर जाना है। वो जहां पर आपने अलीबाबा से रेंट करके रखा हुआ है ना आपने सर्वर, जहां भी जिस भी फैसिलिटी में, वहां पर आप टूर कराइए, लोगों को दिखाइए कि हाँ हम इस तरीके का इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे सर्वर्स हैं। आप बड़े ज़ोर शोर से बोलते हैं कि भाई इंडिया के यूज़र्स का डेटा, इंडियन मार्केट हमारे लिए ज़रूरी है और इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहता है, तो इंडिया में कहाँ रहता है, लेकर जाइए। अरे भैया मीडिया के लोगों की आंखों पे पट्टी बांध के, सर पे नकाब डाल के आप ले जाओ, लेकिन दिखाओ आप इंडिया में कहाँ पर सर्वर है, लोगों को दिखाओ, क्योंकि जब तक ये भरोसा नहीं बनेगा तब तक ये राह मुश्किल होने वाली है। आप यकीन माने ना माने, आप आज की तारीख में साल 2020 में नंबर 1 पर ज़रूर हैं, लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज़ है जो कमाया बड़ी मुश्किल से जाता है लेकिन खोता बहुत आसानी से है, तो शाओमी को कहीं ना कहीं भरोसा दोबारा से पाना तो पड़ेगा। तो सिद्धार्थ आप क्या सजेशन देना चाहेंगे शाओमी को? वेल, मेरा सजेशन सिर्फ ये है कि सबसे पहले अपनी इमेज सुधारो। आई थिंक इमेज सुधारनी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभिषेक ने भी कहा। दूसरा, रेड एनवेलप बांटने बंद करो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। एंड तीसरा जो है कि जब गलती होती है ना, मान लेनी चाहिए, उसके बाद ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे नहीं हम ही नंबर 1 हैं, हम ही बादशाह हैं, हम ही ये हैं, हम ही वो हैं, क्योंकि जब आप टॉप पे होते हो ना तो जब गिरते हो बहुत चोट आती है सर, हिस्ट्री गवाह है दोस्त, ऊपर से गिरने पर, हिस्ट्री ऊपर से गिरने पर बहुत चोट आती है, हड्डियां भी नहीं बचती कई बार तो। तो सो एनीवेज, बात करते हैं अब सवालों की। तो सिद्धार्थ, बिल्कुल, तो सिद्धार्थ आपके सवाल शुरू करते हैं और आज मैं सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा हमारे सारे व्यूअर्स को। सबसे पहला सवाल तो ये है, ठीक है, कि बताइए जरा कि 5G नेटवर्क इंडिया में कब आएगा, पूछ रहे हैं जयंत। तो जयंत, 5G एक तरीके से टेस्ट होना शुरू हो चुका है, काफ़ी कुछ उसमें चल रहा है। मेरा आपसे काउंटर सवाल है कि क्या 4G नेटवर्क अभी सही आता है आपके यहाँ? मेरे यहाँ तो नहीं आता, अभी भी कभी 3G और 4G में स्विच कर जाता है। और दूसरी बात ये भी समझिए कि 5G और 4G में डिफरेंस क्या है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीड। हाँ, 3G से 4G में आपको स्पीड्स मिली थी, VoLTE मिला था, VoIP मिला था,
कई सारी चीज़ें मिली थी। 5G जो है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है आपके, आप ये समझिए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इकोसिस्टम है, क्योंकि सिर्फ आपका फ़ोन ही नहीं इस्तेमाल करने वाला वो इंटरनेट, बट आपके घर पे पड़े हुए वो सारे इंटेलिजेंट अप्लायंसेस, चाहे वो एलेक्सा हो गए या स्मार्ट फ्रिज हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, ये सब वो नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो 5G को आप ऐसा समझिए कि एक एक्सटेंशन ऑफ 4G है, एंड 5G जो है आपको देखने को मिलेगा। मेरी मेरी जो बेस्ट गेस है, आपको हो सकता है साल 2021 के मिडल तक थोड़ी बहुत झलकियां देखने को मिलें, क्योंकि देखिए फोन्स आ चुके हैं 5G वाले, थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी चालू हो जाएगी 5G की, बट अभी भी साल से 1.5 साल मान के चलिए, एंड गिवन द करंट सिचुएशन आई थिंक थोड़ा और टाइम भी लग सकता है। तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर 2022 तक इंडिया में नहीं, और 5G आ नोकिया के साथ एयरटेल की डील भी हुई है जहां पर इन्होंने करीब 1 बिलियन रुपीज़ या डॉलर में 1 बिलियन के अराउंड इन्वेस्टमेंट किया है एयरटेल ने नोकिया के साथ, जहां पर 5G से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नोकिया मदद करेगा एयरटेल की खड़ा करने में 5G का। इनफैक्ट 2 साल पहले जियो की डील हुई थी सैमसंग के साथ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में, कि 5G की इम्प्लीमेंटेशन जियो और सैमसंग मिलके करेंगे, सैमसंग के नेटवर्क जो नेटवर्क टावर्स एंड 5G टावर्स बनाते हैं वो वाली कंपनी। बट वो 2 साल पहले की बात थी, 2 साल बाद आज हम 2020 में हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी 5G को टोटली आने में लगेगा, टाइम लगेगा, थोड़ी झलकियाँ देखने की ज़रूर बड़े मिलेंगी शहरों आपको में हो तब। सकता है पहले लॉन्च हो जाए। चलिए, अनूप दिवेकर अगला सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि विच वन प्लस आई शुड बाय, 7T और Z। आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है अभिषेक, क्योंकि इसमें सरप्राइजिंगली वन प्लस 8 सीरीज़ मिसिंग है, पर सवाल बहुत उमदा है। मैं तो ये बोलूँगा अभी भी कि वन प्लस जी हमने देखा नहीं है कि कैसा है, तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, सब कुछ आपको लेटेस्ट मिल सकता है उसमें, पर जो ट्राइड एंड टेस्टेड है वो वन प्लस 7T है, और 2-3 साल आराम से लास्ट कर जाएगा। यू कैन डेफिनेटली गो विद इट एंड सेव सम मनी एज तो वेल। सिद्धार्थ, अगला सवाल है विशु 741 का, वो ये पूछ रहे हैं कि 15,000 के बजट में सबसे अच्छा फोन कौन सा है आपकी नजर में? 15,000 की बजट में, यार 15,000 के बजट में अगर आपको कोई फ़ोन लेना हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वीवो का V17, वो सस्ता हो चुका है फ़ोन, अब 15 के अंडर मिलता है आपको। ठीक है, टॉप एंड स्पेक्स हैं उसके, मतलब टॉप एंड तो नहीं, मिड टॉप एंड स्पेक्स हैं उसके, कैमरा वाइज अच्छा है, बैटरी भी अच्छी है, एंड गेमिंग वगैरह भी उसकी चल जाती है, तो मेरे हिसाब से तो वीवो V17 Pro और सिद्धार्थ, मेरी वीवो वी रिकमेंडेशन सेवनटीन रहेगा। का कैमरा कितना अच्छा है इसको लेकर मेरे चैनल पर एक स्टोरी भी है, जहां पर हमने वीवो वी सेवनटीन से आगरा का ताजमहल दिन के उजाले में, शाम को, रात में, हर लाइटिंग कंडीशन में हमने आगरा का ताजमहल और आगरा का बाकी जो लाइफस्टाइल है वो कैप्चर करने की कोशिश की। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, देखिए आपको वीवो वी सेवनटीन का कैमरा कैसा है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी उस वीडियो में आपको हो जाएगा। तो वीवो वी सेवनटीन को खरीदने से पहले, बुक कराने से पहले एक बार वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए सिद्धार्थ, आज का बिल्कुल लॉक दैट टेक इस हफ्ते का यहीं पर खत्म करते हैं। जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सिडन चिप्स आ गए हैं यूट्यूब पर, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अभिषेक फॉर द शाउट आउट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लॉक दैट टेक का जितने एपिसोड्स हैं वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे, विच इज़ अभिषेक तेलांग का अपना यूट्यूब चैनल, इंडिया का अपना टेक गुरु। एंड नॉट जस्ट दैट, पूरा एपिसोड देखना है तो वीकेंड पे देखिए, एंड छोटे छोटे क्लिप्स देखने हैं, उसके बीच के स्निपेट्स देखने हैं, तो हर दिन अभिषेक के चैनल पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड इवन प्रेस दैट बेल आइकन।